अभी अपना जो एग्जांपल था उसमें ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट, ओके, दोनों आपको माइनस करना है। सो 20 लाख का मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि बीस व्हेन वी परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20 लाख, ओके, तो उसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होती नहीं, ओके, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होती नहीं है, बट उसका सिर्फ अमाउंट माइनस होता है, ओके, उसका सिर्फ अमाउंट माइनस होता है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में होती नहीं है, ओके। तो आपको मैंने 20 लाख का एग्जांपल दिया था कि सपोज आप 20 लाख का गुड्स परचेस कर रहे हो एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, ओके, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या होगी आपकी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट होगा 18 लाख, टू कैश अकाउंट 16 लाख 20 थाउजेंड, टू कैश डिस्काउंट अकाउंट 1 लाख 80 थाउजेंड, और नरेशन बीइंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, ओके, बराबर। तो अभी इसके आपको एग्जाम्पल, इसके आपको एग्जाम सॉरी इसके आपको एंट्रीज लिखनी है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन कैश, व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी ऑन TDNCD, ओके, ऑन TDNCD, परसेंटेज बाद में लिखेंगे एग्जाम्पल में, ओके, अभी सिर्फ इतना लिखो, व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन कैश विथ TDNCD, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ओके, शॉर्ट फॉर्म है इसका TDNCD। भाई समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ओके, वेदांत, हाँ, टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट और CD यानी कैश डिस्काउंट, ओके, बराबर, हाँ शॉर्ट फॉर्म, ओके। सो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ व्हेन गुड्स आप जो आपको कंटिन्यू करना है, अभी जो रिपीट कर रहा हूँ मैं, अभी परचेज गुड्स ऑन कैश एट विथ TDNCD, ओके, विथ TDNCD, एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, नेक्स्ट पॉइंट, अभी क्या होगा, TD भी होगा CD भी होगा और हाफ द अमाउंट है वो आप चेक से पे कर रहे हो, ओके, हाफ द अमाउंट है आप चेक से पे कर रहे हो, तो क्या होगा कि जो आप हाफ अमाउंट चेक से पे कर रहे हो उस पे ही आपको CD मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट तो आपको फुल अमाउंट में मिलेगा, पर जितना आप हाफ पेमेंट कर रहे हो उस पे ही आपको निकालना है कैश डिस्काउंट, ओके, बराबर। एग्जाम्पल, आपने 20 लाख का परचेस किया, आपने 10% TD, ओके, तो उसमें 10% TD कितना होगा, 2 लाख होगा, 20 लाख में से 2 लाख काट दो, बचा कितना, 18 लाख, अभी उसका हाफ पेमेंट आप कर रहे हो कैश में, ओके, अदरवाइज चेक से, ओके, उसका हाफ पेमेंट आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, ओके, तो कितना होगा हाफ पेमेंट, 18 का हाफ कितना होता है, 18 लाख का हाफ कितना होता है, 9 लाख, ओके, बराबर, 18 लाख का हाफ कितना होता है, 9 लाख, तो आपको 9 लाख पे ही आपको मिलेगा 10% कैश डिस्काउंट, ओके, बराबर, 10% कंफर्म नहीं है, जो आपको क्वेश्चन में दिया आपको लेना है, मैंने आपको दिया एग्जांपल 10% का, ओके, बट आपको जो क्वेश्चन में दिया है 2%, 5%, 7%, वही आपको लेना है, मैंने आपको 10% का एग्जाम्पल दिया है, ओके, सो हाफ अमाउंट कितना होता है, 9 लाख, 9 लाख पे 10% कितना होता है, 90,000, ओके, तो क्या होगा इसकी एंट्री, क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, अभी इसमें काट दो आप ट्रेड डिस्काउंट, ओके, तो एंट्री कितना हो जाएगा, 18 लाख का, ओके, सो परचेज अकाउंट डेबिट 18 लाख टू कैश अकाउंट 8 लाख 10 थाउजेंड, टू कैश डिस्काउंट अकाउंट 90,000, टू मिस्टर एक्स अकाउंट 9 लाख, क्योंकि हाफ बाकी है आपका और हाफ जो आप चेक दे रहे हो, ओके, तो सॉरी कैश की जगह आपको आएगा
बैंक लिखना है. सो मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 18 लाख, 20 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो कितना होगा वो, 20 लाख पे 10% 2 लाख, 20 में से 2 लाख माइनस किया कितना हुआ 18 लाख. ओके, सो दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट डेबिट 18 लाख. टू, अभी इसमें हाफ द अमाउंट आप चेक से पे करें. ओके बराबर, तो जितना अमाउंट आप दे रहे हो उस पे ही आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट. ओके, जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो उतने अमाउंट पे ही आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट. बराबर है. सो यहाँ पे आप कितना पेमेंट कर रहे हो, 9 लाख आप चेक से दे रहे हो तो 9 लाख पे ही आपको सीडी मिलेगा. ओके, 9 लाख पे ही आपको सीडी मिलेगा. सो 9 लाख पे कितना होता है 10%, 90,000 होता है. कितना होता है 90,000. सो 9 लाख में से 90 काट दो, कितना बचा 8,10,000. ओके, तो आप 8,10,000 का क्या कर रहे हो, चेक पे कर रहे हो. क्या पे कर रहे हो आप, चेक पे कर रहे हो. सो योर एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट 18 लाख. ओके, टू बैंक अकाउंट 8,10,000, टू कैश डिस्काउंट अकाउंट 90,000, टू मिस्टर एक्स अकाउंट 9 लाख. ओके, टू मिस्टर एक्स अकाउंट, क्योंकि आधा पेमेंट आपका बाकी है. सो टू मिस्टर एक्स अकाउंट 9 लाख रुपीज. ओके, सो लिखो एंट्री यहाँ पे, पहले एंट्री लिख दो. व्हेन गुड्स आर परचेज विथ टीडी एंड सीडी, व्हेन गुड्स आर परचेज विथ टीडी एंड सीडी एंड हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक, एंड हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक, तो यहां पे एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट बराबर, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 Mr. X account. Narration. Being goods purchase. Narration. Being goods purchase with TD and CD. With TD and CD. And half the amount. Paid by check. And half the amount paid by check. लिखा आपने? हाँ सर. ओके सर, समझ में आया? हाँ बोलो. हाँ हाँ, એટલે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીશું, એટલે આ વર્ષે તમારે ખાલી અત્યારે લર્ન કરવાનું છે. ઓકે, મેં તમને જે લખાયું છે એ તમારે, કાલે આપણે હોલિડે છે, ઓકે, સન્ડે છે. ઓકે, તો કાલે તમારે આખો દિવસમાં બધું પતાવી દેવાનું. ઓકે બરાબર, કલાક લાગશે, ખાલી 1 કલાક લાગશે, વધારે ટાઈમ નહીં લાગે. ઓકે બરાબર, મંડે આપણે આના એક્ઝામ્પલ કરીશું. ઓકે બરાબર, એટલે ત્યાં સુધી બધાની એન્ટ્રી કમ્પ્લીટ જોઈએ મને મંડે સુધી. બરાબર, હા બોલો. પણ આપણે એકવાર તમે પતી જતા તમે શું લખી, તમે લર્ન કરી શકશો ને, એટલા માટે લખાવું છું બેટા. હજી આપણે 10 મિનિટ બાકી છે, પક્કા 10 મિનિટ હજી બાકી છે. ઓકે, હા શું
ઓકે પણ તમે આમાં શું છે કે તમને હું પછી પ્રેક્ટિસ કરાવીશ એક્ઝામ્પલમાં તો તમારે એન્ટ્રી ભૂલવી પડશે ઓકે તો તમે લર્ન કરી લેશે તો બોલશો ને તમે એટલા માટે કહું છું કે જ્યાં સુધી તમે એન્ટ્રી બોલશો નહીં ત્યાં સુધી તમને આવડશે નહીં બેટા હા તો વાંધો નહીં ઓકે મને એક્ઝામ્પલમાં એન્સર જોઈએ હા મને એક્ઝામ્પલમાં એન્સર જોઈએ ઓકે ઓકે બરાબર પણ તમે ટ્રાય કરજો લર્ન કરવાનું ઓકે બરાબર ઓકે ઓકે ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નાઉ એટલે નેક્સ્ટ એન્ટ્રી નાઉ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ વેન ગુડ્સ આર પરચેસ બસ બે ત્રણ પોઈન્ટ છે હવે વેન ગુડ આમ તો ઘણા બધા છે પણ તમે હવે આસ કરો છો એટલે હું બે ત્રણ માં બતાવું છું ઓકે પછી પછીના પછી લખાઈશ ઓકે ઓકે વેન ગુડ્સ આર પરચેસ વેન ગુડ્સ આર પરચેસ with TD and CD with TD and CD half the amount paid by cash and half the amount paid by check and half the amount paid by check entries purchase account debit to cash discount account narration being goods purchase on cash and by check with TD and CD ઓકે તો આજે આપણે આટલું રાખીએ ઓકે બરાબર ઓકે તો આટલું લર્ન કરી નાખજો ઓકે મંડે પૂછીશ તમને હું બરાબર ઓકે તો